हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरडी कुकिंग। मैं हूं पूनम और आज हम बना रहे संक्रांति स्पेशल में चिक्की। तो तिल की चिक्की भी बनाऊंगी और तिल मूंगफली मिक्स भी बनाऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आप साउंड सुन सकते हैं इसका, है ना, एकदम क्रिस्पी करारी एकदम, और वो भी गुड़ से बनी हुई। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ चिक्की बनाने के लिए मैंने यहाँ पे तिल लिए थे, जिनको ना 2 मिनट मैंने भुन लिया था कढ़ाई में। तो भुनना बहुत ज़रूरी है, भुने हुए तिल इस्तेमाल कीजिए। और साथ ही मूंगफली जो है उसको भी मैंने भुन लिया था। आप देख पा रहे होंगे हल्के से निशान निशान इस पर है। तो 2-3 मिनट मूंगफली को भी अलग से भून लें, तिल को भून लें। मूंगफली के छिलके हमें निकालना है, तो मैं कुछ इस तरह से ट्राई कर रही हूँ कि ग्लास से इसको दबाती जाऊँ तो ये क्रश भी हो जाए और छिलके भी निकल जाएँ। तो जब तक मैं क्रश कर रही हूँ, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सी सिटी से मेरा वीडियो देख रहे हो। तो चलिए फटाफट ही काम निपटा लेती हूँ और फिर बनाते हैं बढ़िया सी चिक्की। तो यहाँ पे ना क्रश करके मैंने इसको छन्नी में अच्छे से छान लिया था, मतलब छिलके जो है ना वही अलग करने हैं। तो जितना हो सके अलग कीजिएगा, कुछ रह गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक तैयारी हम पहले कर लेंगे। तो जो चकला होता है जिसमें हम रोटी बनाते हैं, मैं उसका भी इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे बेलने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको घी से ग्रीस करूँगी। तो ग्रीस पहले से आप ये तैयारी करके रखिएगा, क्योंकि बाद में ना हड़बड़ी में कुछ नहीं होगा, फिर एकदम से जो चिक्की होती है ना जल्दी से सेट होने लग जाती है। तो पहले से आप ग्रीस कर लें, बेलन को भी ग्रीस कर लें। तो मैंने यहाँ पे 2 बेलन रख दिए हैं ताकि कभी एक बार चिपक जाए किसी एक पे तो दूसरा काम में आ जाएगा। अभी यहाँ पे पैन में ना 1/2 चम्मच घी लिया है और 1 छोटी कटोरी मैंने गुड़ का लिया है। तो जो साइज़ आप गुड़ ले रहे हो उतना ही आपको, जो भी आप तिल बना रहे हो मूँगफली बना रहे हो उतनी ही साइज़ का वो आपको लेना है, मतलब सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे तिल और मूंगफली दोनों को मिक्स करके मैंने कटोरी में डाल दिया, सेम कटोरी का ही मैंने इस्तेमाल किया है। गुड़ को धीमी आंच पे आपको मेल्ट करना है और अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, उसके बाद आपको चेक भी करना। तो चेक कैसे करना है, कटोरी में पानी डाल दीजिए और थोड़ा सा गुड़ इसमें डाल के देखिएगा। अगर ये क्रिस्पी करारा हो जाए तो रेडी है। अभी देखिए आप च्यूई सा है, सॉफ्ट सा है, मतलब गुड़ अभी हमारा रेडी नहीं है। कुछ सेकेंड आप इसको और पका लीजिएगा और फिर वापस से चेक कीजिएगा। तो चेक करके ही आपको तिल और मूंगफली इसमें ऐड करना है, ऐसे बिल्कुल भी मत ऐड कीजिएगा, नहीं तो चिक्की जो है क्रिस्पी नहीं बनेगी, एकदम सॉफ्ट सी हो जाएगी। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे अभी भी ये थोड़ी सी सॉफ्टनेस इसमें बाकी है, तो मैं इसमें बिल्कुल नहीं डालूंगी। कुछ सेकेंड मैंने और इसको पका लिया। तो ये काम थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना है गुड़, क्योंकि फिर जले ना ये भी डर रहता है, तो धीमी आँच भी पकाना है। अब जो है, अब मैं इसको चेक कर रही थी ना, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि ये क्रिस्पी हो चुकी है, देखिए एकदम क्रिस्पी हो चुकी है। फटाफट से आपको करना क्या, फ्लेम को बंद करना है। आप देख पा रहे हो कि गुड़ का कलर जो है एकदम जल्दी से डार्क हो रहा था, शूटिंग भी आपको दिखा रही हूँ मैं, तो उस वजह से थोड़ा सा डार्क। तो फटाफट मैंने फ्लेम को बंद कर लिया, तिल मूँगफली इसमें डाल दिए और इसको लपेट लेना है पूरा गुड़ में। तो फ्लेम को बंद करके ही आपको ये तिल मूँगफली इसमें ऐड करना है और एकदम से ये डो की तरह बन जाएगा। बस इस तरह से आपको लपेट लेना और इसको डाल देना है। हमने इस पे चकले पे को ग्रीस किया था ना घी लगा के, इसके ऊपर ये डाल देंगे कुछ इस तरह से। तो आप कोई भी चिक्की आप बना सकते हो, बस यही तरीके का इस्तेमाल करना है। गुड़ की चाशनी को चेक ज़रूर करना है कि परफेक्ट बनी कि नहीं बनी है। तो शक्कर की इजी रहती है, गुड़ की थोड़ी डिफ़िकल्ट रहती है। तो बस यही पार्ट आपको देखना है और बस ये पार्ट अगर आप अच्छे से कर ले रहे हो ना, तो चिक्की बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। एकदम क्रिस्पी करारी से चिक्की बन के तैयार हो जाएगी। और आप देख पा रहे हो कि मैं इसको अच्छी तरह से बेलन से बेल ले रही हूँ। तो जितना पतला आप चाहते हो ना, आप पतला उसको बेल लीजिए और ये फटाफट 1 मिनट में ही सेट हो जाती है। तो फटाफट से मैं क्या कर रही हूँ, इसको चाकू से निशान बना ले रही हूँ। नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा यार, अनइवन भी आप तोड़ के खा सकते हो। तो मैंने जस्ट ऐसे ही चाकू से निशान कर लिए और चलिए इसको सेट होने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी भी ये गर्म है, हल्की सी सॉफ्ट है। 1-2 मिनट छोड़ देंगे ना एकदम टाइट हो जाएगी ये। तो तब तक क्या करेंगे, दूसरी की तैयारी कर लेते। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, थाली को उल्टा करके उसके ऊपर घी लगा लिया। अब पैन में 1/2 चम्मच घी लिया, वापस से 1 छोटी कटोरी जितना गुड़ लिया है। गुड़ को मेल्ट होने तक पकाएंगे, जो सेम प्रोसेस मैंने आपको दिखाया ना, हर बार आपको वही करना है। ऐसे नहीं कि आप सोचोगे कि नहीं एक बार चेक कर लिया, बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, जब भी आप चिक्की बनाओ तो बार बार आप उसको चेक ज़रूर करो, मेल्ट होने के बाद आप उसको चेक ज़रूर करो, ताकि परफेक्ट चिक्की आप बना सको। एकदम क्रिस्पी होनी चाहिए चिक्की, सॉफ्ट नहीं अच्छी लगती है, वो चबाने में दिक्कत होती है। अब देखिए गुड़ तैयार हो चुका है, तो मैंने इसमें 1 कटोरी तिल ले लिए। जितना मैंने गुड़ लिया उतना ही मैंने तिल, तो ये मैं पूरी तिल की बना रही हूँ। और जो पहले बनाई थी तिल मूंगफली मिक्स थी, और सिर्फ मूंगफली भी आप ले सकते हो। और आप चाहो ना तो ड्राई फ्रूट बारीक कटे हुए, उसके साथ सीड्स, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, वो भी मिक्स करके आप उसकी भी चिक्की बना सकते हो। और हाँ, जो सूखा नारियल होता है
उसको भी आप लंबे लंबे में काट लीजिए, पतला पतला, उसको भी आप ड्राई फ्रूट के साथ मिक्स करोगे ना, वो उसकी भी चिक्की बहुत मस्त लगती है खाने में। तो आप देख पा रहे हो मैं इसको बेल रही हूँ, बहुत आराम से आप बेल सकते हो इसको। और तिल की जो चिक्की है ना वो एकदम पतली आप बना सकते हो, क्योंकि तिल बहुत ही छोटे छोटे से होते हैं तो काफ़ी पतली बन जाती है और काफ़ी अच्छे से फैल भी जाती है। और मैं फटाफट इसको भी कट कर लेती हूँ। तो चलिए जो पहली हमारी बन चुकी है इसको मैं निकाल के आपको तोड़ के दिखाती हूँ। एकदम आप देख पा रहे होंगे भी हार्ड हो गई है, और अभी मैं इसको तोड़ रही हूँ तो आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे इसका क्रिस्पी करारी, और खाने में ना इतनी ज़बरदस्त लगती है ना, बहुत बढ़िया लगती है। और हमारी तिल वाली लाई भी सेट हो चुकी है, मैं इसको भी तोड़ के आपको दिखा रही हूँ। तो इस संक्रांति पे आप इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। तो कैसे लगी आज की रेसिपी आपको, तिल की चिक्की और तिल मूंगफली की चिक्की? तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, पेज पर रहे तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और इससे इस संक्रांति पे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री गणेश, वाहेगुरु जी। मैं इसको खा के भी दिखाती हूँ। क्रिस्पी।